गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। दो दिवसीय दौरे पर 2 जनवरी को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3 जनवरी को होंगे लखनऊ रवाना। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रभारी कैलाश विजय वर्गीज ने शुक्रवार को किया गुरु गोरक्षनाथ महाराज की पूजा अर्चना, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का भी लिया आशीर्वाद, मंदिर प्रबंधन ने अंग वस्त्र और प्रसाद देकर राष्ट्रीय महासचिव को किया सम्मानित। महाराष्ट्र प्रांत के जनपद थाने में 10 सितंबर 2012 को राजमूल दुखू शेख की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले 8 वर्षों से फरार अपराधी इनामुल हक पुत्र याद अली को गोरखपुर एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच प्रथम को किया सुपुर्द। पुलिस के रूप में लूट टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह के एक अभियुक्त को गोरखनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोने का चैन, अंगूठी सहित 5000 रुपए नगद और 115 ग्राम नशीला पदार्थ किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की एनएक्सी सभागार में आयोजित हुई बैठक, मंडलायुक्त ने उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण करने के दिए निर्देश। डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक का आईजी के पद पर तथा एसएसपी जोगेंद्र कुमार का डीआईजी पद पर प्रोन्नति के बाद एडीजी जोन ने पीपिंग सेरेमनी में लगाया स्टार, दी शुभकामनाएं। 9 वर्ष के पहले दिन गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, लोगों ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर की दिन की शुरुआत, श्रद्धालुओं ने कहा 9 वर्ष के प्रथम दिन दर्शन करने से साल गुजरता है अच्छा। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,013, अब तक 343 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 258 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाला मेला 9 वर्ष के पहले दिन ही रहा गुलजार, उमड़ा लोगों का हुजूम, लोगों ने मेले का जमकर उठाया लुत्फ। और कोरोना से जूझ रहे 2020 के जाने के बाद 2021 के आगमन पर महानगर वासियों ने विभिन्न पार्कों, मंदिरों और प्रमुख स्थलों पर जमकर उठाया लुफ्त, नौका बिहार के लेक व्यू पॉइंट और अंबेडकर पार्क के मुख्य द्वार पर सुरक्षा के दृष्टिगत मुस्तैद रही पुलिस।